मंगलवार को मानकापुर परिसर के उमर हाउस राठौड़ लॉन में मुस्लिम समाज भाइयों के लिए संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्ला अली ट्रस्ट के चेयरमैन एवं मुस्लिम समाज के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता प्यारी खान शामिल हुए थे, जिन्होंने उपस्थित मुस्लिम समाज भाइयों के साथ संवाद किया। मुस्लिम समाज भाइयों के विकास को लेकर कई सवाल है जिन्हें सही नेतृत्व न मिलने से न्याय नहीं मिल पाया है। इन सवालों पर जवाब देने और समाज के लोगों को एक राह दिखाने, एक नेतृत्व तैयार करने के लिए प्यारी खान ने समाज के लोगों के साथ चर्चा की। कार्यक्रम में मुस्लिम भाइयों ने उनकी राजनीतिक स्थिति और मुस्लिम समाज के विकास पर कई सवाल पूछे और प्यारी खान ने इन सवालों का जवाब देते हुए विश्वास जताया कि आने वाले समय में वह समाज के बच्चों के भविष्य के बारे में विकास की राह आसान करेंगे। शरीयत और फतवे ये राजनीति है, इसमें इसको नहीं लाना चाहिए और मुसलमान इसके लिए मानेगा नहीं। मैंने ये बोला था और वो एक व्यक्ति था, उसने बोला था घर घर करिया ताजो शरिया। मैंने बोला आप जबरदस्ती क्यों करते, तो उस वीडियो में देखे मैंने शरिया बोला, शरीयत नहीं बोला। तो ये सब हमको सोचना पड़ेगा, समझे क्या? ये सब हमको सोचना पड़ेगा और आने वाले 19 तारीख को हमको हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, मैं आपके हर क्वेश्चन के साथ खड़ा हूँ और आपको सारे जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको बंद कमरे में भी जवाब दे सकता हूँ, आप मुझसे पूछ सकते, क्योंकि मेरा कोई लालच नहीं है मेरे मन में और मेरा कोई ऐसा पर्सनल ये नहीं। तो मैं आपके सब बात और उन कांग्रेस के भी लोगों को लाके आप बिठा सकते हैं, उनकी भी बात का मैं जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे मन में किसी प्रकार का डर नहीं। इस वक्त उपस्थित अन्य बाशिंदों ने अपने विचार मन से साझा किए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में रहते हुए मुस्लिमों को अपने अधिकार मिलने चाहिए, मुस्लिम समाज को शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए। डेमोक्रेसी में रहते हुए अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करते हुए हमको अपने हकूक हासिल करने हैं। सबसे पहला हमारे सबसे बड़ी असेट होती है हमारा ईमान और अकीदा, हमको उसको कहीं पे कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए, और है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में इंटर आपको करके हमको अपने हकूक को हासिल करने हैं। तो करना कैसे, देखिए पार्टियां कोई भी शरई पार्टी हिंदुस्तान के अंदर में नहीं है, ऑल आर पॉलिटिकल पार्टीज। चीज के लिए उसके एक्सपर्ट को चुनो और एक्सपर्ट में भी जो सबसे बेटर हो उसको चुनो। लाइक मुझे कोई न्यूरो प्रॉब्लम हुआ है, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ है मेरे डॉक्टर, तो मुझे जाना होगा न्यूरो के पास में और न्यूरो में भी मैं देखूंगा कि बेस्ट कौन है। मैं डॉक्टर मेश्राम को देखूंगा, मैं डॉक्टर पाकमोड़े को देखूंगा, उनके पास जाऊंगा, हम सब बैठे हुए यही करेंगे। तो आज जो लोकसभा का इलेक्शन है इसके अंदर में हमको देखना है कि बेटर कैंडिडेट कौन सा है। हम यहाँ क्यों उस पैरामीटर पर नहीं चल रहे, हमको देखना है कि दोनों में से बेटर कैंडिडेट कौन सा है, दोनों में से हमारे हक की लड़ाई कौन बेटर लड़ सकता है, हमारी दर्द और तकलीफ को कौन दूर कर सकता है। तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि नितिन गडकरी जी का 40-45 ईयर्स का हिस्ट्री बैकग्राउंड उठाकर आप देखा जाए तो एक भी सेंटेंस का हमारे खिलाफ नहीं मिलता, और हम अगर देखें तो हमारी कम्युनिटी के अंदर में उनसे हेल्प लेने वाले लोग की तादाद ज़्यादा मिलेगी आपको। वो उस कैपेसिटी के, वो कैपेबिलिटी के शख्सियत आज है और उनके पास में एक हमारे भाई है प्यारे भाई जिनकी डायरेक्ट एंट्री है। मुस्लिम समाज के इस आयोजित कार्यक्रम में कई मुस्लिम युवा और जानकार लोगों ने हिस्सा लिया और सवाल पूछकर अपनी शंकाओं का निराकरण कर लिया। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।